नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो देश को एक से बढ़कर एक बेशकीमती रत्न दे रहा है, जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में नवोदय विद्यालय का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। देश के कोने कोने में नवोदय के प्रोडक्ट के रूप में IAS, PCS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, साहित्यकार और पत्रकार अपने काम का लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश की। इस विद्यालय ने भी देश को कई कीमती आदर्श छात्र दिए हैं जो अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा हर वर्ष दिसंबर माह में देश के समस्त नवोदय विद्यालयों में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें नवोदय के पुरातन छात्र आते हैं। वह अपने पुराने साथियों और गुरुजनों से मिलकर अपनी यादें साझा करते हैं, साथ ही साथ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अपने जीवन से अवगत कराते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना मेरठ में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरातन छात्रों ने आकर अध्ययनरत छात्रों का मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने छात्रों को बताया कि नवोदय से इंटर पास आउट करने के बाद उन्होंने किस प्रकार अपने कैरियर को बनाया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पुरातन छात्रों के करकमलों द्वारा फीता कटवा कर किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य महेश कुमार, पूर्व वाइस प्रिंसिपल JK शर्मा, स्कूल का स्टाफ आदि समेत पुरातन छात्र ब्रजेश सिंह, मुकेश राठी, राजेंद्र सिंह, मुस्तफ़ा खान, लोकेश आदि समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अध्ययनरत छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।